हाँ जी, स्वागत है आपका नए व्लॉग में। मैं हूँ कशिश और मैं हूँ ऑगस्टीना। काफी लोगों ने मेरे से पूछा मसल मेनिया का कंपटीशन मेरा जैसे हो गया तो उसके बाद मेरे क्या प्लानिंग्स हैं। तो अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज था। दूसरा कंपटीशन मेरे को खेलना था जो कि मैंने पोस्टपोन कर दिया बिकॉज बॉडी की कंडीशनिंग, मतलब हालत, नॉट बॉडी की कंडीशनिंग, हालत बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारा ओपन में था, ठंड लग गई है, ऊपर से एक बारी अगर इंसान खाना शुरू करता है तो फिर वो रुकता नहीं। तो वो मेरे साथ हुआ क्योंकि इतने टाइम से मैंने नहीं खाया था और एकदम से खाया तो मेरे को प्रॉब्लम हो गई। तो उस वजह से मैं नेक्स्ट कॉम्पिटिशन का सोच भी नहीं पाया कि खेलूँ या ना खेलूँ। और ऊपर से मेरा जो स्टैक था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरा सप्लीमेंट स्टैक था वो भी ख़त्म हो चुका था। तो मेन रीज़न ये भी था और दूसरा रीज़न हेल्थ कंडीशन भी थी। ठीक है, तो अब एक हफ्ते के लिए मैं दोबारा से इतना सारा खर्चा करूं। रजिस्ट्रेशन मैंने करवा रखा था उस कंपटीशन का जो कि रिफंडेबल नहीं था, पर ठीक है, कोई नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। तो मैं एक हफ्ते के लिए दोबारा से 20-25 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करूं, पैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चलो इन्वेस्ट कर दिए, बट दोबारा से उस कंडीशनिंग पे पीक वीक दोबारा हिट करो तो बार बार, क्योंकि क्या हुआ था, इलेक्शन के टाइम पे पीक वीक हिट कर दिया था पूरा। ठीक है, सडनली मेल आई कि आपका पोस्टपोन हो गया नेक्स्ट वीक के लिए, फिर नेक्स्ट वीक फिर पीक वीक हिट करा मैंने। ठीक है, और फिर थर्ड वीक दोबारा पीक वीक हिट करना पड़ता क्योंकि दोबारा से कॉम्पिटिशन। तो पूरा महीना मैं पीक वीक हिट करता रहता। तो बॉडी इतना अलाउ नहीं करती है, एक आधा हफ्ता फिर भी झेल पाती है, बट तीन तीन हफ्ते, पूरा पूरा महीना। अगर एक ही हफ्ते में होता तो फिर भी बात। हाँ, अगर एक हफ्ते में होता कि फॉर एग्जांपल संडे को कंपटीशन है, फिर मंडे या ट्यूसडे को कंपटीशन है, तो समझ में भी आता कि एक दो दिन का गैप हुआ और अपना कर लिया, बट ऐसा नहीं था, एक हफ्ते का गैप था। तो एक हफ्ते के लिए फिर दोबारा जीरो कार्ब्स पे जाना पड़ता, जीरो सॉल्ट पे जाना पड़ता, पानी छोड़ना पड़ता, सेम सारा वही प्रोसेस। ठीक है, सो अब मेरा फाइनली 2023 का स्वागत करते हैं, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर हम दोनों की तरफ से। और अब मेरे क्या प्लान्स हैं और ऑगस्टीना के क्या प्लान्स हैं हम दोनों इस वीडियो में आपको बताएंगे। सो सबसे पहले ऑगस्टीना, आपके क्या प्लान हैं वो बताओ 2023 के हमारे सब्सक्राइबर्स को। तो इस साल हमारे काफ़ी सारे प्लान्स हैं हम दोनों के एक साथ। एक्चुअली मेरे तो है ही, मैंने ये सोचा ही है कि मैं आउट ऑफ शेप हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि सर्दियों में किसी का मन नहीं करता वर्कआउट करने का, बट जनवरी फर्स्ट से मैंने, आई मीन नॉट फर्स्ट, सेकेंड से स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी सुबह सुबह, क्योंकि मेरा जो ऑफिस का टाइमिंग है ना वो मैच नहीं करता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि कार्डियो भी करूँ और उसके बाद वेट ट्रेनिंग भी करूँ, तो मैं एक घंटा पहले जा रही हूँ अब। ठीक है, तो मैंने तो एफर्ट्स डालना शुरू कर दिया गाइस। लेट्स सी, रिजल्ट तो जब आएगा आप लोगों को दिख ही जाएगा। एंड बस यही है। और सेकेंड चीज़ है कि हम दोनों और ज़्यादा इस साल कपल वीडियोस निकालेंगे जिसमें कि हम बहुत ट्रैवलिंग भी होगा हमारा, और जितने भी हम, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, मतलब बिजी रहे हम दोनों ही अपने अपने शेड्यूल में, और कंपटीशन था उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है गाइस। आप लोग जब करोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि बिल्कुल, मतलब ध्यान ना, सब कुछ बस इन्हीं के ऊपर चला गया था। सो 2023 का मेरा प्लान ये है कि सबसे पहले मैंने अपना स्पेशल पॉपुलेशन का कोर्स कंप्लीट करना है। हाँ, उसको बीच में हमने पॉज कर दिया बिकॉज कंपटीशन की वजह से मैंने नहीं ली क्लासेस। ठीक है, तो मैंने पॉज कर दिया, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वो कोर्स होने के बाद में मैं K11 का, वो क्या बोलते हैं, ग्रेजुएट ऐसे करके कुछ बोलते हैं उनमें, मैंने याद नहीं मेरे को, तो वो हो जाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद तो कोई कोर्स नहीं है, उसके बाद छोटे मोटे ये फंक्शनल ट्रेनर, ये सब एक एक दिन की वर्कशॉप्स होती हैं, वो कर लूँगा मैं। ठीक है, इन फ्यूचर। तो इस साल तो ये है पहला गोल कि स्पेशल पॉपुलेशन कम्प्लीट करना है, और सेकेंड गोल मेरा ये है कि मैं 2023 में कोई कॉम्पटिशन नहीं खेलने वाला, सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस पे एंड अपनी बॉडी पे ही ध्यान देने वाला हूँ। और ध्यान कैसे देने वाला हूँ, 2023 और 2024 का मिड, ऑलमोस्ट जो मैंने प्लान कर रखा है 2024 का मिड, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑफ सीज़न लूँगा, गेन करूँगा प्रॉपर साइज एंड कंडीशन पे ध्यान रखूँगा, एंड सिमेट्री लास्ट की बात है।
जब कटिंग करेंगे तब। तो ऑलमोस्ट अब जो मैं प्रेप करूँगा ऑफ सीजन की, वो 12 से 16 महीने की प्रेप रहेगी। ओके, 12 से 16 महीने की प्रेप, उसके बाद में सीधा सीधा हम जब भी कंपटीशन की डेट हमारी कोई भी लॉन्च होएगी महीने दो महीने या तीन महीने पहले, तो हम सीधा करेंगे कटिंग, ना कि गेनिंग। तो ये पीरियड पूरा जो मेरा साल का जाएगा 2023 और 2024 का मिड, वो रहेगा मेरा पूरा प्रॉपर ऑफ सीजन गेनिंग का, ठीक है। तो ये मेरे दो प्लान हैं इस साल के, जो कि मैं कंप्लीट ज़रूर करूँगा। और तीसरा, बड़े टाइम से आप लोग बोल रहे हो कि शादी कब हो रही है, शादी कब हो रही है, तो तीसरा प्लान भी इसमें इंक्लूडेड है, तो वो भी हम पूरा करेंगे। हंस रही है। देख ले ठीक है चलो अब जाओ, आप मेरे लिए थोड़ा चाय पानी बनाओ। चाय पानी बनाते हो? ठीक है, आ रही हूँ मैं, जाना मत, आ रही हूँ। तो जब तक ऑगस्टिना रेडी हो रही है, तब तक मैं अपना प्रोटीन पी लेता हूँ। सो दिस इज प्रो फेस प्रोटीन। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरा ऑफ सीजन स्टार्ट होने वाला है, एंड मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने ऑफ सीजन की इस बेहतरीन प्रोटीन के साथ, और इतना प्यारा शेकर भी मिला है इसके साथ, ठीक है। तो अगर ये आपको परचेज करना है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे जाइए, क्लिक करें एंड परचेज कर लें। और साथ ही साथ मेरा कूपन कोड वो भी ऐड कर सकते हैं फॉर 10% फ्लैट ऑफ के लिए। कैकाओ बीन्स की फ्रेग्रेंस अंदर से आ रही है पूरी पूरी। अब सबसे टफ जॉब, ओहो स्कूप भी ऊपर ऊपर है, ये तो दूसरा काम सबसे टफ ये होता है कि आपको स्कूप नहीं मिलता। द रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन प्रोफेस इज सपुटोवे, एनाबॉलिक एमपीएस ब्लेंड व्हिच इज पेटेंट एंड शोज अमेजिंग रिजल्ट इन मसल ग्रोथ। इट आल्सो हैज बीसीडब्ल्यूए एंड ग्लूटामाइन, प्योरिटी एंड लैब टेस्टेड बाय इंटरटेक, एंड देयर इज नो अमीनो स्पाइकिंग। That's why ProFace is giving 22 grams of protein in 32 grams of scoop. There is no artificial flavor or color added. Indulge your taste buds with whey flavored with real cacao beans sourced directly from plantation in Ghana. And what about packaging? Packaging is diamond reflection. And it is also available in 5 LBS and 2.2 LBS packing. Proudly made in India with international raw materials. प्रोटीन पी लिया और निकल चुके हैं, आगे हैं हमारे जिगरी दोस्त। देख रहे हो लौंडे का स्टाइल, देख रहे हो। हेलो गाइस कैसा लगा बाइक चला के? रास्ता देखा नहीं हमने, मतलब बातों में टाइम निकल गया हमारा, रास्ता पूछ लिया अभी। हाँ से सामने गर्मी भी हो रही थी। ये व्लॉग जो है वो संस्कारी व्लॉग होने वाली है, क्योंकि कोई भी देख सकता है। Obviously, तो जो भी हम करेंगे वो ऑफ कैमरा करेंगे। Obviously. Yeah. मिलते हैं थोड़ी देर में। तो पीयूष अभी आ रहा है, जब तक बेबी आई एम मिसिंग यू। तो अभी हम सुबह ही सोच रहे थे कि साथ में ब्लॉग बनाएंगे, तो कपल ब्लॉग है, बट अभी हम ये ब्लॉग ख़त्म नहीं है, ये ब्लॉग बहुत अच्छा और लंबा जाने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाएँ। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं कोई पर्पज़ के साथ। एक्चुअली ऑगस्टिना की बड़ी बहन की शादी है थोड़े दिन में, 10 या 15 दिन के अंदर शादी है। तो मैं
उसकी सिस्टर और उसके मतलब होने वाले पति के लिए एक वॉच देखने आया हूँ। तो अब देखते हैं, यहाँ पे एम्बियंस मॉल आए हैं अभी हम फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे पसंद आता है कलेक्शन या नहीं आता तो ढूंढते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद में अगर नहीं आता तो यहाँ से हम जाएंगे साकेत। तो साकेत में जाके वहाँ से पसंद करेंगे, और इस बीच अगर कुछ कपड़े मेरे को पसंद आते हैं, जैसे ऑलवेज ऑफकोर्स ये बात है कि अब आए हैं तो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे, खाना पीना भी खाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो चलो उसका इंसान, उस इंसान का थोड़ा सा वेट करते हैं कि कितने देर में आए। देखो लड़कियां आ जाती हैं ना तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता हूँ। तो वॉच के उसमें आ गए हैं, वॉच पसंद करते हैं। मेरे को जो पसंद आएगी वो इसको नहीं आएगी, और ये इसको आएगी मेरे को जिसे नहीं आएगी। मुझे कहेंगे बाहर निकलो। तेरे को पसंद आई? यस, घड़ी मजा आ गया। घड़ी मजा आ गया? घड़ी अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये व्लॉग पहले आएगा शादी से। डब्बा दिखा देंगे। हाँ डब्बा दिखाएंगे, घड़ी उसी दिन दिखाएंगे। हमने मात्र 5 मिनट 5 मिनट में पसंद कर ली। पसंद कर ली, ये होता है लड़कों के साथ जाने का फायदा। फायदा अब ये लड़कियों के साथ जाते हैं, वो पूरा मॉल घुमाती है, उसके बाद कहते हैं नहीं पसंद आया। तो अभी सिनेरियो क्या हुआ क्यों बताएगा भाई। बंदे की दो बात निकल गई, ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, पेमेंट तो हो ही नहीं रही है, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा बेचारे का, कार्ड ट्राई करा कार्ड भी चल नहीं रहा। सर है भी पैसे, फिर पैसे देखा लिमिट ब्लॉक है, अब लिमिट ब्लॉक अनब्लॉक करने के लिए भी नेट चाहिए। और कह रहा कि 10% डिस्काउंट का बता, 10% डिस्काउंट का सीन सुनो। ऐसी आ रही थी, कह रहे कि सर 10% डिस्काउंट करवा दूंगा, पर आपका बर्थडे होना चाहिए, किसी का भी करवा दो। बर्थडे एनिवर्सरी चलेगी। हाँ। हमने सोचा किसका बर्थडे आ रहा है, इतने बंदे हमारे पास, इतने नोन है, हमें ध्यान में आया 1 जनवरी को हमारे मनोज हाउसकीपिंग का बर्थडे है, जो हमारे जिम में हाउसकीपिंग का काम करता है, उसके में फोन करा कि तेरा बर्थडे कब है। मेरा बर्थडे भी निकले हुए 15-20 दिन से ऊपर होगा, मतलब 15 आगे 15 पीछे होना चाहिए। हाँ, इस डेट से। हाँ। और सर मेरा 1 को है। कह रहे ठीक है भाई तो काम आएगा। कह रहे कि नंबर और नाम उसका ही होगा बिल। हाँ। पे कॉल जाएगा। तो मैंने वहाँ पे एकदम दिमाग लगाया, काम डाउन थे, हमने कोई डिस्कस नहीं करा, मैंने एकदम से छूट दे बोल दिया। कोशिश को करते कशिश का भी बर्थडे है। उसने बोला ये नाम मनोज का, उसका आधार कार्ड पे कशिश नाम है ना। कशिश नाम लिखवा दिया, फोन नंबर। मैंने कहा पीयूष एक बार मनोज का देख ले, इसने मेरा नंबर लेके नंबर डलवा दिया। तो मतलब 10% डिस्काउंट मिल गया। 10% डिस्काउंट मिल गया, इससे हमें कहते हैं कि लड़कों वो दिमाग चलता है, आंखों आंखों में काम करते हैं, और बंदा भी कुछ। अब हमारे नाम के बिल है, डिस्काउंट शॉपिंग, डिस्काउंट भी कराया, डॉप भी ऐसा नाम सुनना हो गया। भूख लग रही है भाई, अब भूख लग रही है, चलते हैं ऊपर है ना। हाँ। ऊपर है, हम चलो भूख लेने चलते हैं, मिलते हैं फूड कोर्ट पे। कह रहा भूख लेने चलते हैं। तो खान चाचा से हमने ऑर्डर कर दिया, क्या नंबर था हमारा, 120 था, 120 यस 120 है, आ गया तो ऑर्डर कर दिया, चलते हैं लेने। तो भाई पेट पूजा होगी, अब चलते हैं थोड़ा सा लोवर्स देखेंगे फिर घर की तरफ। लोवर्स देखोगे? टाइम नहीं है वैसे तो, ठंड बहुत बढ़ चुकी है, ठंड और जेब बहुत बढ़ चुकी है हमारी। हाँ, जेब बहुत बढ़ चुकी है, सबसे मेन बात है। तो सोचा कि थोड़ा वेस्ट दिल्ली वाला हिसाब किताब होगा, खर्चों का, खाना वाना खा लिया थोड़ा बहुत मिल जाएगा, खाना भी महंगा पड़ गया, ईएमआई बनवानी पड़ेगी। खाने में भी कट गया। अगली बार से तो ना चश्मा डाल के आएंगे। हाँ। अगर हमें कुछ प्रॉफिट चाहिए तो, प्रॉफिट चाहिए। अच्छा। वरना तो हम ऐसे ही कटवाते रहेंगे। हाँ। वरना हर जगह चौकनी कुकी क्रीम और भी डला लो, कुकी क्रीम के नाम को और दे। चलो भाई ये हमारे इंडिया में है, ये अच्छा लग रहा है, कुछ जली खाने से जली। चलो भाई खाते हैं। आइसक्रीम नहीं थी तेरे को? आइसक्रीम बोल रहे भैया, आइसक्रीम तो दो मैं आइसक्रीम दूंगा, बिकॉज़ फिर भी मिलती है। तो
मैंने व्लॉग में नहीं दिखाई, इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि आप मेरे ये को भरोसा नहीं हो रहा है कि हाँ। इनकी चॉइस है। और कितनी देर में विदिन 2 मिनट्स में हमने बहुत डिसाइड करके बाहर निकल के हम पेमेंट करके देख रहे nice. ये देखो क्लासी। सो अब हम चल रहे हैं अपनी डिनर डेट पे मेरी प्यारी बूजी के साथ। चले बूजी क्या रील्स निकल रहे हैं, मजा आ गया। तो हम पहुंच गए हैं कैफेटेरियन कंपनी जो कि हमारे पीछे है, तो 5 मिनट में हमारा नंबर आ रहा है और उसके बाद में हम करेंगे डिनर प्यारा प्यारा सा, खाएंगे खाना। मेरी बूजी मेरे को पार्टी दे रही है, बहुत सारा पैसा है। बहुत सारा